हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिस गोस्वामी एंड मैं पिंका गोस्वामी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ पूरी फैमिली के साथ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11:30 बजे से, मतलब ना लंच वगैरह बनाने का टाइम हो चुका है। तो उससे पहले मुझे करना है काम, थोड़ा अलमारी के कपड़े वगैरह ठीक करने हैं, और कल है राखी, सारे लोग रक्षाबंधन में अपने मायके जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं नहीं जा पा रही हूँ ना। मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ वो आपको कल के ब्लॉग में बताऊँगी। मेरी सासू माँ मुझे नहीं भेज रही है, और पता ही है आप सभी को कि घर वालों की इजाज़त के बिना हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो अभी बनाना है मुझे खाना, मेरी सासू बोल रही थी कि मैं दाल चढ़ा जाऊंगी, तू बना लेना खाना। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, और काम करते रहेंगे साथ में, और कपड़े भी धोने गाइस। जब मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड वो कर दिए हैं, ये इतने सारे हैं क्योंकि अलमारी ठीक कर रही हूँ ना, ये सब ठीक कर रही हूँ और इतना कर दिया है, अभी इतने बाकी हैं। यहाँ भी कोरमा बना पड़ा है, ये देखो कोरमा बना पड़ा है, कोरमा सब करती हूँ। इस कपड़े भी धुल गए मेरे, ये आज फिर से मैं बना रही हूँ चूल्हे में, और मैंने वही अपना सीक्रेट मसाला स्पेशल पीस लिया है, तो छौंक लेती हूँ दाल। इसमें बन चुकी है मेरी टेस्टी सी दाल, ये देखो मिक्स दाल है। सासू माँ ने माज रखी थी वैसे तो, ये पता नहीं काय काय की है, मुझे इनके नाम नहीं आते। और इसमें रख दिया है चावल, तो अब 10 मिनट में चावल बन जाएगा, बस फिर खाते हैं। गाइस, दाल बना के आ गई हूँ मैं, दाल भात मिक्स दाल बना दाल रखी थी सासू माँ ने, मिक्स दाल बनाई है चूल्हे में ही बना के आई हूँ। और क्या बोलते हैं, मुझे चूल्हे में अच्छा लगता है यार, पता नहीं क्यों। पहले वैसे मुझे आग जलाना नहीं आती, बट थोड़ी बहुत जला लेती हूँ मैं आग, लेकिन जो स्टार्टिंग की आग होती है ना वो नहीं जला पाती हूँ। और यूट्यूब खोल रही हूँ ना तो सबके व्लॉग्स दिख रहे हैं, राखी वाले या कोई मतलब राखी से जुड़े हुए, मेरा दिल एकदम ऐसा हो जा रहा है ना कसम से, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा उन वीडियोस को देखने का, पर मजबूरी है ना जाना। क्या मजबूरी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कल के व्लॉग में आपको बताऊंगी मैं कि मेरी क्या मजबूरी है कल ना जा पाना मेरा नानंग मत्ता। और बस मेरी यही विशेष है अपने भाइयों के लिए, और सारे दो भाई है मेरे, दोनों भाई नहीं मेरे सारे भाइयों के लिए, कि वो लोग स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो, और उनकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ भगवान पूरी करें। और मेरा बाबू भी सो गया है, देखो ये दिन भर खाता है और सोए रहता है ये। अभी बिल्कुल अभी व्लॉग नहीं बनाती उस समय मैं आई, अपनी कटोरी वो खड़खड़ खड़खड़ कर रहा था, चाट रहा था तो फिर मुझे पता था इसे भूख लग गई होगी, फिर मेरे आगे पीछे दौड़ने लगा, मेरा प्लाजो पहचानता है, हाँ ये फैला फैला प्लाजो पहनती है, तो मेरे पास आया, मेरा पजामा खींच रहा था, मैंने दूध गर्म करके इसके कटोरी में डाला तो उसने पूरा फिनिश कर लिया, दिखाऊँ आपको, ये देखो पूरा फिनिश कर लिया, इतना वो है ये बुक्कड़, बच्चा है ना क्योंकि छोटा सा। तो मिलती हूँ आपको अब खाना खाने समय। फाइनली मैं खाना ले आई हूँ, और सासू काट रही है नीचे घास, बोल रही थी तू खा ले। गाइस, खाना खा के उसके बाद फिर मैंने कर लिया था थोड़ी देर आराम, जो कि हर किसी को करना चाहिए खाना वगैरह खा के। और 5 बजने वाला है, मैंने कहा कहीं बारिश ना हो जाए तो मैं घूम आती हूँ, मौसम इतना मस्त हुआ है ना कसम से मस्त, दिखाती हूँ। गाइस, इसके ऊपर माता आ चुकी है। ओ माता माता,
तो गाइस जो मैंने सुबह ये कवर वगैरह धोए थे, अब इनको लगाने का टाइम आ गया, तो इनको लगा रही हूँ। टाइम आ गया है, आ गया टाइम, आ गया मेरा ऊपर जाने का टाइम। इन लोगों का टाइम तो आ गया। और पता है गाइस, ऐसे ऐसे पादरी है ना दोनों बहनें, एक ये गाइस, एक गाइस ये है, एक ये तो भलन हमारे भाई, एक नए बन रहा भाई, वो नाम है पंकु, पंकु जैसा, पंकु पंकु। अरे फिर से इंग्लिश नहीं झाड़ेंगे, यानी कि हिंदी भी नहीं झाड़ेंगे, पहाड़ी है पहाड़ी बोलेंगे, पहाड़ी ठीक छपा भले रहो भैया, हमारा पंकु छा ठीक छा ठीक छे, ओके बाय बाय पंकु आए और भी हो जाके। अरे यार सुनो भलन जिले गिफ्ट दे सब्बा पहले तो मुका ही देखो नु तो गाइस तू का सरामी का बता दिया। तो गाइस अभी मिलते हैं आपको खाना, तो गाइस पंकु मिलने नहीं जाने का, बाय गाइस। कल तो ये लोग राखी में बिजी होंगे सारे भतीजे भतीजियाँ। एक एक बिस्किट तो मैंने दे दिया, तो मैंने कहा एक ब्लॉग में भी दिखा देती दोबारा से, टू टू बिस्किट ये लो। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो गाइस बिस्किट देखो, थैंक यू, ये द गुड। कल को रक्षाबंधन है और आज चाची मुंह मीठा करा दे रही है हमारा। चाची कल को, हेलो गाइस कल को रक्षाबंधन में दिखाते हैं। थैंक यू, ये नैना का है और ये दो, ये आप सुनो प्रॉफिट हुआ, तुम लोग यहाँ हो तभी तुम्हें मिल रहा है दो दो। ये है नेहा का, ये है आदि का, और ये है दीप्ति का, ये है हर्षित का, ये है हर्षित का, ये है गुन्नू का, बाबू का, सॉरी मेरा हर्षित का, और ये किसका है, ये बाबू का किसका है, बाबू तो कुछ नहीं खाता है, वो नहीं खाता, हो गया ना सबका ठीक है। और ये शेष बचे दो ये मेरे, तो मिलते हैं आपको अब सब्जी बनाने समय। गाइस आते ही मेरे माही का सर दर्द हो रहा था, मैंने नवरत्न तेल लगा रखे है बाबी के सिर में, क्योंकि अभी पहुंचे हैं ना अमोड़ी से, और कल को जाना होगा इनको देवी दूरा, फिर से सफ़र है बहुत लंबा। मालिश तो वैसे मुझे आती नहीं है, पर फिर भी कर रही हूँ मैं। तो भाभी के यहाँ से आई है मक्का, और अब मैं इसमें रखती हूँ, इसको उबालूंगी और फिर उबाल के खाएंगे हम सभी। और ये बॉईल हो गए हैं आलू, और इसमें डाल दिए है 2 चम्मच मैंने नमक, लगा देते हैं ढक्कन और पकने देते हैं। अब देखते हैं मक्का को पकी की नहीं पकी, पक गई है भाई, गर्म हो रहे हैं। मैं तो सबसे बड़ी वाली खाऊंगी ये वाली, तो कहीं पकी नहीं होगी तो हो गया, पक गए सबके लिए हो गई ये रेडी। तो गाइस माही कल मेरा फास्ट है ना मंडे का, तो कल मैं कुछ नहीं खा सकती, तो आज माही मेरे लिए सोन पापड़ लाए हैं, आई मीन सभी के लिए। तो वैसे मैंने खोल लिया था क्योंकि तो बहुत टाइट सा है, और ये आप सभी के लिए भी है। ओके माही ने खा भी लिया एक, अब ये मैं देने के लिए कर रही हूँ अपनी सासू लोगों को। बेटा सासू की किस्मत मेरी कितनी अच्छी है देखो, मुझे लगता है मेरी सासू माँ आ गई है गाइस, अभी आएगी अंदर ना।
बस हो गया, एक अपने लिए निकालो, एक अपने लिए। हाँ ये दो निकाल दो, पी के लो, एक पापा का एक मम्मी का, एक पी के एक आलू का। हाँ हाँ दो, हम दोनों के लिए दो बस। तो गाइस नीचे जाना नहीं पड़ेगा, सासू परी आ गई है। एक काम आसान हो गया, वो बांट आज चला बैठा है। बता मेरा कल को व्रत है, तो हम खा लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपको। थैंक यू माही, वेलकम बब्बी, विदाउट कैमरा भी। हाँ थैंक यू, वेलकम विदाउट कैमरा। तो गाइस मेरी सब्जी तो बन जाएगी अभी थोड़ी देर में, और मैंने इसमें करा था दूध गरम, दही जमाई है, दिखाती हूँ। इसमें जमा दिया है दही मैंने, दूध और दही डाल रखी है। अब इसे हम देखेंगे कल को, कोई यहाँ हाथ नहीं लगाएगा ना, तो इसमें मैंने बेड के नीचे रख दिया है ढक के जोर से। गाइस खाना हो गया हमारा रात का रेडी, आलू बड़ी की सब्जी, रोटी और दही माही के लिए। माही खाना खा रहे थे, मैंने बीच में रोका, मैंने खा रहे, मेरा व्लॉग रह गया। तो गाइस अब हम खा लेते हैं खाना, और क्या बोलते हैं, कल को राखी है, मैं राखी मनाने में तो नहीं जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। मिलती हूँ कल आपसे अपने एक स्पेशल व्लॉग के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, बाय 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 बाय, जल्दी आना जल्दी आना को।